हाय, दिस इज सुभाष। बैंक निफ्टी एक्सपायरी में आप सभी का स्वागत है। मार्केट आज क्या कर रहा भाई? मार्केट ने आज थोड़ा सा फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग करा, कल का हाई से नीचे ओपनिंग करा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिस तरीके से नीचे ओपनिंग करा, यहाँ पर फिब का यूज करोगे तो ये लो और हाई को कंसिडर करके ये 0.5618 से मार्केट क्या करा, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। बहुत बढ़िया। इस लेवल पे जिसने मार्केट को कैच नहीं करा, यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी था मार्केट में एक अच्छा मोमेंट आने का। एंड हम लोगों भी लाइव में प्लान कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से मोमेंट करने वाला है। एंड यहाँ पर हम लोग सी के साइड बैठ गए। काफी देर होल्ड करने के बाद एक हमारा कॉल के तरफ एसएल हिट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे तुरंत एक बाउंस बैक गया और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम सही नहीं दिखा कि मान लो कि यहां से नीचे की तरफ आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो ये एक वॉलेटाइल सिस्टम था, यहाँ पे समझ में नहीं आया। फिर क्या मार्केट ने एक नेगेटिव बिहेवियर करा, उस टाइम निफ्टी में देखोगे तो एक लोअर लो बनाना स्टार्ट करा था। फिर ये एक यूनिक नंबर मिला हम लोगों को सेलिंग करने के लिए, यहां से सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट हो पाया। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ने फिर डे लो के पास जाने के बाद सपोर्ट क्रिएट करके अब इस तरीके से रुका पड़ा। तो इस लेवल पर जैसे ही मार्केट रुका हुआ है, कल का किस तरीके से ओपनिंग करता है बहुत ही बड़ा डिसाइड होगा। सिंपली इसके ऊपर हमारा प्लान अभी भी रहेगा कि 48,500 के टारगेट के लिए अगर कल किसी भी कंडीशन में मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग करता है, सिंपल ये सारे एरिया के ऊपर ओपनिंग करता है, मतलब कंडीशन ये रहेगा अभी जैसे कि मान लो 48,150 के आसपास है, मार्केट ओपनिंग करता है 250 से ऊपर और 300 के बीच में, इसके बीच में मार्केट ओपनिंग करता है, तो मार्केट यहां रुकने के बाद हमारा प्लान फिर से रहेगा एक बाइंग के लिए, जब तक कि 48,500 का टारगेट ना मिल जाए। सिंपली उसके बाद हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है और ये सारा एरिया है हमारे पास में, इसके नीचे अगर निकलता है तो सेलिंग के लिए हो सकता है। मैं इसको 15 मिनट में आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूं। इसको प्रॉपर एक सही तरीके से देखें तो आप लोगों को थोड़ा एक व्यू क्लियर मालूम पड़ेगा और भी बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले देखो, एक हमारे पास एक जो एरिया है, सिंपली ये प्रॉपर जो पूरा इसके नीचे निकलने के बाद ना हम लोग एक छोटा सा सेलिंग करेंगे, अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं हो सकते हैं क्योंकि मार्केट एक बहुत अच्छा निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट करा है, तो उसको हम लोग ऐसा तुरंत नेगेटिव में नहीं शिफ्ट करेंगे। सो सिंपल ये हमारा पॉजिटिव ही मार्केट है और जैसे जिस तरीके से इसके बीच में मार्केट ओपनिंग करता है, यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट साइडवेज रहने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ दिखता है हम लोग कॉल के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद भी अगर आप देख रहे हो कि अभी लास्ट सीन में क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से क्लोज करा है। इसको समझो, प्राइस को समझो, थोड़ा मजा आने वाला है। ये प्राइस कैसा क्लोज करा है? एक पॉजिटिव क्लोज करा है। पॉजिटिव क्लोज करा है, इसका मतलब है मार्केट हाई पॉसिबिलिटी गैप अप ओपनिंग करे तो इसके पास ओपनिंग करने के बाद कॉल की तरफ प्लान करेंगे। लेकिन इफ एनी चांस मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है थोड़ा बहुत भी इस लेवल के आसपास 48,000 के आसपास और उसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा, सस्टेन करने का ट्राई करेगा, देन वी कैन शिफ्ट, हमारा प्लान हमको शिफ्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग पे के साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा अलग प्लान रहेगा क्योंकि अगर देखोगे ना यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। सिंपली इस तरीके से बहुत अच्छा एक हमारा ट्रेंड लाइन इस तरीके से कंटिन्यू मेंटेन हो रहा है। अगर इसको ब्रेक करना चाहता है और नीचे थोड़ा बहुत सेलिंग आना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते, लेकिन तुरंत हम लोग सेलिंग के साइड शिफ्ट नहीं होंगे। सिंपली हम लोगों का यही प्लान रहेगा कि मार्केट कहाँ ओपनिंग होता है वो हम लोग देखेंगे। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मार्केट जहां ओपनिंग करेगा उस हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। 9:15 से 3:30 हम लोग लाइव बैठते हैं, वहां पर बहुत सारे डिस्कस होते हैं, बहुत सारी नॉलेज दिया जाता है, हर एक सवाल का जवाब हम लोग करते हैं और जिस तरीके से मार्केट में प्राइस बिहेवियर चलता है उसको कैसा प्लान करें, कहां सी बाय करें, कहां पी बाय करें, वो सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। सभी सभी चार्ट पैटर्न जो मार्केट में बनता रहता है, अगर कोई मान लो कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कोई असेंडिंग ट्राइंगल, कोई डिसेंडिंग ट्राइंगल, मार्केट में सीलिंग आ रहा है, प्राइस नीचे नीचे क्यों बन रहा है, ये सारी चीजें हम लोग मुफ्त में लाइन में बैठ के सीखते हैं। सिर्फ वहाँ पे कॉल और पुट बाय करना ही नहीं बल्कि बहुत सारे नॉलेज हम लोग शेयर करते हैं। सो प्लीज़ आप लोग लाइव भी आया कीजिए। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, सो उसको अच्छे से प्ले कीजिएगा। थैंक यू सो मच।